आइए आइए टोपो दा, ऐसे मत कीजिए, आइए खाने दीजिए, टोपो टोपो जगह दो, खाने दीजिए। आप लोग हट जाइए, देखिए तो गड़बड़ हो गया अंदर, बार बार अंदर। वाला जो चुनाव है ठीक चलो झारखंड में, उसके बाबत बात हुई है और कंपेन जो है वो यूपीए यानी जो गठबंधन है वो एक साथ करेगा जी, और हम 22 या 23 को यहाँ पहुँचेंगे कंपेन के लिए जी। ज्यादा राजनीति की बात हो गई, कुछ बातें हुई बिहार की राजनीति में, कुछ बिहार की राजनीति अपने तरह अभी तो राजनीति जो है वो झारखंड की है, लेकिन सर वहाँ पे सर जीता ना माझी गरमाए हुए ना बिहार को सर, वो ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे सर। झारखंड में किन मुद्दों को लेके चलेंगे, क्योंकि आप भी स्टार कैंपेनर हैं वहाँ। देखिए ये तो जो गठबंधन है वो बनाने तो थोड़ा सा आईडी ऊपर कर जब वो बनाने लगे। अरे रुकिए शरद यादव जी बोल रहे हैं, रुकिए एक मिनट। असली झारखंड जो है वो इस सरकार के चलते यहाँ की जो मिनरल्स है संपत्ति है उसकी बड़े पैमाने पर लूट हो जी, वो लाखों साल की पूंजी है हमें, और यहाँ का किसान नौजवान ये मुद्दे हैं सर। यहाँ पे एनडीए भी खर गया, आज चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल है, कि हर तरह का धंधा चौपट है, चाहे वो छोटा मोटा व्यापार करने वाले लोग हैं, यानी 70 बरस में इतनी बुरी हालत इकोनॉमी की कभी नहीं। शरीर से एक बात चलती है, भावनात्मक तरीके से लोगों को गोलबंद करते रहे, और इस देश में बाकी सारी किताबें चाहे वो रामायण हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, ये सब रूहानी किताबें हैं जी। एक किताब है जिसमें बेकारी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, खेत खलिहान, कारखाने सबका जिक्र है, और उसको छोड़कर भी ये सब काम कर रहे हैं। तो पहली बात ये है कि देश में संविधान के दायरे में सब चीज़ें लाना है, ये अपोजिशन का काम है सर। ये राफेल को, राफेल को लेकर सर जिस तरह से भाजपा भी राफेल के मामले राहुल गांधी के कोर्ट नहीं कुछ कर सकती जी, भाग रहा था जो आपके एक जज है उन्होंने साफ साफ कहा है जी कि इसकी जांच होना चाहिए। तो आप सभी भी मानते हैं कि जांच होनी चाहिए उसको, जेपीसी से पार्लियामेंट काय के लिए, देश के पार्लियामेंट 130 करोड़ लोगों की पार्लियामेंट है, उसके जेपीसी बने, एनडीए बिखर गया है, पानी का पानी उसी में हो। विजय के रूप में सर भाजपा इसको कर रही है कि जिस तरह से कि पाक साफ होकर के हुआ जिस तरह, खैर उनके साथ तो सब चीज़ है, मीडिया है, पहले मीडिया जो है वो अपोजिशन का काम करता था जी, आजकल तो मीडिया विरोधियों को गाली दे रहा है। सर एनडीए बिखर गया है झारखंड में, क्या कहिएगा? अरे महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ वो यहाँ पे दिख रहा है, वो एनडीए जो बिखरा है इसके बाद भी संख्या बता रहे हैं, वो संख्या बता रहे थे महाराष्ट्र में, वो संख्या बता रहे थे 70 सीट जीत रहे थे 75 हरियाणा में, तो एक तरह से गप लगाने में, अफवाह फैलाने में बहुत तेज लोग हैं वो। सर अंतिम सवाल, लालू प्रसाद जी यहाँ पर भर्ती हैं, बीमार हैं, पता था लोग जानते थे पिछले एक महीने से, एक महीने से कोई जानकारी नहीं कि उनकी तबीयत कैसी है, सर ना कट फिल्म कट क्या लग रहा है, इसलिए तो हम लोग आते हैं, थोड़ा सा डॉक्टर दो डॉक्टरों से मेरी मुलाकात जी। क्या कहा था सर, एक बड़ा इशू रहता है, मेडिकल जो बुलेटिन जारी होना चाहिए सर, वो आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर और आदिवासी के लिए झारखंड आप कुछ नहीं बोले, वो इस चुनाव में रहेगा तो लड़ाई सबसे ज्यादा यहाँ जनता ने लड़ी थी, और उसमें जनता में सबसे बड़ी आबादी जो है वो ट्राइबल्स की है पूरा देश में, और उसका मुख्यमंत्री जो है वो अलग ही इसलिए हुआ था कि मुख्यमंत्री उसका झारखंड का ट्राइबल होना चाहिए, आदिवासी होना चाहिए जी जी, तो इन्होंने तो वो नियम तोड़ा, वो भी एक मुद्दा होगा चुनाव में। सर मेडिकल बुलेटिन जो है पिछले एक महीने से जारी नहीं हो रहा है सर, इस पर जारी होना चाहिए, जानकारी जनता को मिलना चाहिए। डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं सर, तो बात करें, बुलेटिन क्यों नहीं जारी हो, डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं सर,
बोलेंगे। ठीक 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 है। 22 पाई।